बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के मुतल्लिक। सेल साइकिल को हम डिफाइन करते हैं द साइकिल ऑफ अ सेल इन व्हिच अ सेल पासेस फ्रॉम अ series of events that leads to behavior of a cell into two or four सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं कि खुलिए का वो चक्कर जिसमें एक खुलिया मुख्तलिफ इवेंट से गुजरता है, स्टेजेस से गुजरता है, जो कि खुलिए की रहनुमाई करती है आगे दो में या चार में तकसीम होने की। यानी जब एक सेल एक लगातार स्टेजेस से गुजरता है और उन स्टेजेस से गुजरने के बाद वो सेल आगे दो या चार सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब ये सेल साइकिल जो हमारे पास दो मेन स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो दो मेन स्टेजेस कौन कौन से हैं? उनमें से हमारे पास एक स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस और दूसरा जो स्टेज है हमारे पास उसको हम कहते हैं डेवियन फेज। या इसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज या डेवियन फेज और इंटरफेज ये दो मेन स्टेजेस हैं, दो मेन स्टेप्स हैं जब एक सेल साइकिल के लिए जाता है तो इन दो फेजेस से गुजरता है। अब इन दो फेजेस की तरफ आते हैं तो साइकिल फॉर्म में हम देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है, यहां से यहां तक ये हमारे पास एक सेल साइकिल है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला फेज है सेल उसमें 92-91% यानी अप्रोक्सीमेटली अबाउट 90% जो टाइम है वो सेल यहाँ पे लेता है और बाकी 10% टाइम जो है वो इस फेज में लेता है। तो इसलिए टाइम की नस्बत से हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है इंटरफेज, यहां से यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारे पास दूसरा स्टेज आ जाता है इसको हम कहते हैं डेवियन फेज और माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज की तरफ आते हैं तो इंटरफेज आगे बढ़कर हमारे पास थ्री स्टेज के ऊपर डिवाइड हुआ होता है। पहला जो स्टेज है वो टाइम की निस्बत से हम देखें जहां पे सेल जो है वो ज्यादातर टाइम लेता है तो इंटरफेज की तरफ हम जाते हैं तो इंटरफेज में हम देखते हैं कि हमारे पास तीन स्टेजेस हैं। इंटरफेज में हमारे पास थ्री स्टेजेस कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं G1 फेज, दूसरे को हम कहते हैं S फेज और तीसरे को हम कहते हैं G2 फेज। अब G1 फेज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहां ये था तो यहां से लेकर यहां तक यानी तकरीबन यहां तक जो है ये हमारे पास G1 है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो स्टेज है ये G1 है। यहां पे G1 कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास आ जाता है S, यानी यहां से लेकर यहां तक S फेज आ जाता है और यहां पे हमारे पास S फेज कंप्लीट हो जाता है और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास आ जाता है G2। अब ये G2, ये S और ये G1 फेज है। अब इन तीनों फेजेस को हम देखें तो ये तीनों सब फेजेस हैं इंटरफेस के, लेकिन टाइम के लिहाज से अगर हम देखें तो इंटरफेस के अंदर फिर सेल जो है वो ज्यादा जो टाइम लेता है वो G1 के अंदर, फिर उसके बाद इसके अंदर और उसके बाद G2 के अंदर। अब हम इन फेजेस की तरफ आते हैं, एक एक को देखते हैं कि आया सेल जब इन फेजेस से गुजरता है या इंटरफेस से गुजरता है तो कौन कौन से इवेंट्स जो है वो यहाँ पे वाक होते हैं। अब यहाँ पे G1 की तरफ हम आते हैं तो G1 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मेन काम होता है सेल साइकिल में वहां ये यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, यानी सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है और दूसरे
सीधे यहां पे सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है इस फेज के लिए, प्रिपेयर इट्स सेल्फ फॉर इस फेज। अब जब सेल अपने आप को साइज में इंक्रीज करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है इस फेज के लिए, तो जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो हमारे पास G1 फेज। अब प्रिपरेशन में क्या आ जाते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो कि रिक्वायर्ड होंगी, एंजाइम्स जिनको हम रिप्लिकेटिव एंजाइम्स कहेंगे वो इस फेज के लिए रिक्वायर्ड होंगी, तो वो यहां G1 फेज में तैयार हो जाएंगे। जब ये काम हो जाता है तो हमारे पास ए G1 फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम जाते हैं इस फेज की तरफ, तो इस फेज में हमारे पास जो मेन इवेंट होता है वो रिप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए की ये हमारे पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए की एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनने को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। तो हमारे पास ये जो डीएनए है इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है और वो बनती है, यानी एक डीएनए से हमारे पास दो डीएनए यानी बन जाते हैं उसकी एग्जैक्ट कॉपी, जिस तरह ये डीएनए है इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। जब हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है तो ये हमारे पास इस फेज जो है वो एंड हो जाता है। इस फेज के बाद हमारे पास तीसरा जो फेज है वो G2 फेज है। अब G2 फेज क्या है? G2 फेज वो फेज है इंटरफेस का, यानी वो सब फेज है इंटरफेस का जिसमें एक सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोटिक या डीएनए फेज के लिए। सेल प्रिपेयर इट्स सेल्फ फॉर माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज के लिए सेल जो है वो अपने आप को यहां पे प्रिपेयर करता है, यानी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स जो कि एंजाइमेटिक मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स होंगी या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी वो G2 फेज में कंप्लीट हो जाती है और सेल जो है वो अपने आप को रेडी कर देता है माइटोटिक या डीएनए फेज के लिए। जब ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो इस तरह हमारे पास पहला स्टेप है सेल साइकिल का, वो इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है। अब इंटरफेस के कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखें तो दूसरा फेज है जिसको हम डीएनए फेज कहते हैं या माइटोटिक फेज, उसकी तरफ हम आते हैं। तो अब डीएनए या माइटोटिक फेज हमारे पास दो स्टेप के ऊपर हम डिवाइड किसको करते हैं। अब वो कौन कौन से दो स्टेप्स हैं, उन दो स्टेप्स की तरफ हम जाते हैं। तो वो दो जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास एक स्टेप को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा जो स्टेप है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि एक खुलिए के अंदर जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, एक खुलिए के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब एक न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो न्यूक्लियस में, इस अमल का नाम है कैरियोकाइनेसिस। अब पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे माइटोटिक फेज में कि हमारे पास एक खुलिए के अंदर एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो न्यूक्लियस में, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस यही वाला स्टेप जो है इसकी ये जो साइटोप्लाज्म है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक सेल जो है वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगी और इस अमल को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और यहाँ पे ये दोनों साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों को हम माइटोटिक फेज या डीएनए फेज कहते हैं। जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह हमारे पास जो है वो सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़हन में याद रखनी है कि ये डीएनए फेज या माइटोटिक फेज हमारे पास दो टाइप्स का हो सकता है। अब कौन कौन से दो टाइप्स का हो सकता है वो दो टाइप्स की तरफ हम जाते हैं। तो हमारे पास जब सेल साइकिल के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आता है तो यहाँ से हमने पढ़ा कि ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये इंटरफेज है। अब ये हमारे पास डीएनए फेज है। अब इस डीएनए फेज के अंदर सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं,
अब वो सेल सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि आया पीछे से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो कौन सी टाइप ऑफ सिग्नल मिल रहे हैं। अब यहां पे डिवीजन दो किस्म का हो सकता है, एक में सेल डिवाइड होगा दो में और एक में डिवाइड होगा फोर में। अब जो दो में डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस, और जब फोर में डिवाइड होगा उसको हम कहते हैं मियोसिस। अब मियोसिस जो है ये भी सेल डिवीजन फेज में आता है और माइटोसिस भी आता है, लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि एक में एग्जैक्टली जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के, और दूसरे में हमारे पास एक सेल जो है वो डबल डिवीजन करता है, यानी एक मतलब आता है फिर अगली मतलब सेशन को दोबारा जिस तरह माइटोसिस में होता है इस तरह फॉलो करके आगे दो में मजीद डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह चार सेल बन जाते हैं। और यहाँ पे फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर बनते हैं जो कि पेरेंट सेल्स के होते हैं। तो ये प्रोसेस जब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह हमारे पास सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।